चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि आज की सुर्खियों का सबसे बड़ा समाचार ही यही रहा कि आज रेलवे की एक बड़ी और ऐसे कह सकते हैं कि एक शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे इस रेलवे की इस बम्पर और शानदार भर्ती के बारे में यहाँ पे हम आपको ये बात बता दें कि इस वर्ष के शुरुआत की रेलवे ने यहाँ पे बालकों को एक सुनहरा मौका दिया सफलता और अपने करियर को संजोने के लिए। दोस्त, यहाँ पे हम आपसे बातचीत कर लें कि एक बेहतर तैयारियों के क्रम में किस प्रकार का जो है कि ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होता है कि बालक अपने तैयारी के क्रम में किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करते हैं, किस प्रकार के दबाव को महसूस करते हैं, वे क्या रणनीति अपनाएं जिससे सफलताएं उनके कदमों में हो। इसके लिए हम यहाँ पर RP सर से बात करेंगे जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के एक एक्सपर्ट हैं और जो कि काफ़ी सहजता से इस बात को समझते हैं कि द्वंद्व, कठिनाई और एग्जाम के समय में विभिन्न प्रकार की कुंठाएं किस प्रकार बालकों को यहाँ पे परेशान करती हैं और एग्जाम में उनके आते हुए प्रश्नों को या उनके सबसे सरल से सरल सेगमेंट को भी उनके लिए जटिल बना देती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का सबसे मुख्य फोकस ही होगा कि शिक्षा बिना बोझ के किस प्रकार किया जाए और इस पे मानसिक स्थिति को कैसे संतुलित रह करके एक बेहतर माहौल में तैयारी किया जाए। तो सर हमारे मनोविज्ञान के काफ़ी एक्सपर्ट हैं जिसमें एक विशेष समझ रखते हैं। सर, हम चाहते हैं कि आज के हमारी इस वीडियो का सबसे फोकस ही आपके उस दृष्टिकोण या उस अप्रोच के माध्यम से हो जहाँ पर आप ये बताएँ कि बालक अपनी तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखें कि सफलता का कदम चूमे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लेकिन हम इसके पहले संक्षिप्त रूप में ये बात कर लेंगे आपसे कि सर इस वैकेंसी में क्या महत्वपूर्ण है, इस कुछ तथ्यात्मक छोटी मोटी बातों को लेकर के चलते हुए कि जिसके समझ के आधार पे वे अपने भविष्य की सही रणनीति बनाएं और वो भी बिना बोझ और बिना दबाव के। तो सर, हम यहाँ पे आपसे इस तरीके के सूचनाओं को हम चाहेंगे कि आप बालकों के सामने इसे साझा करें। तो सर, आपको जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो गाइज, एक बार इससे पहले कि मैं आपको एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करें, कैसे कुंठा से बचें, तनाव रहित तैयारी कैसे करें, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको सामान्य जानकारी देना चाहूँगा इस भर्ती की। तो एक बार देख सकते हैं, जैसा कुल पदों की संख्या है 35,277, जिसमें 10,628 जो पद हैं वो 12वीं के लेवल पे, हम इंटरमीडिएट पास बोल सकते हैं इसको, जबकि बाकी के 24,649 जो पद हैं वो ग्रेजुएशन पे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, एक बार ये सब सामान्य जानकारियां हैं। एज लिमिट जो इंटरमीडिएट की पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 30 रखी गई है, और जो कॉमन रिजर्वेशन होता है OBC के लिए 3 वर्ष का और SC ST के लिए 5 वर्ष का, ये लागू रहेगा। सिमिलरली यही हालत होगी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे, 18 से 33 होगा, 3 साल प्लस रहेगा उसकी उम्र से, और OBC SC ST का जो इधर का था वही सिस्टम इधर भी रहेगा। अब आप थोड़ा देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर देखें तो एग्ज़ाम के स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। इसे हम CBT 1, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हो आप इसे, तो इसे CBT 1, CBT 2 में बांटा गया है। तो CBT 1 की जो पोस्ट हैं उनका जो एग्ज़ाम का पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर की संरचना में कैसे प्रश्न बनेंगे वो आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी 100, और हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क अलॉट किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस होंगे 40, उतने ही क्वेश्चन गणित के होंगे, उतने ही तार्किक क्षमता या हम रीजनिंग के प्रश्न कह सकते हैं। तो अगर आप देखते हो तो 40, 30, 30, ये टोटल 100 मार्क्स होगा, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और यही CBT 2 के पोस्ट देखें तो यहाँ की भी संरचना थोड़ा सा बस वैसी है, थोड़ा अंतर है। जनरल अवेयरनेस के सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होंगे 50, गणित के क्वेश्चन होंगे 35 और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 35। तो अगर आप टोटल करोगे तो 120 मार्क्स इसका, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स के आधार पर 120 मार्क्स भी होंगे। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है मेरे दोस्त, कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। मतलब अगर आप एक
गलत क्वेश्चन करते हो तो उसका मार्क्स तो कटेगा ही, जो आप सही क्वेश्चन करोगे उसका 1/3 मार्क्स भी कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग का नॉर्मल रूल रहेगा। और आपको थोड़ा फी स्ट्रक्चर भी बता देना चाहूँगा, जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स की फ़ी होगी 500 रुपीज़, 500 रुपये, और वहीं SC ST के लिए 250 रुपये की ये फीस रखी गई है। अब अगर हम इधर देखें तो आप देखेंगे कि आवेदन की तिथि 1 मार्च से शुरू होगी और यह 31 मार्च तक चलती रहेगी, और परीक्षा की संभावित तिथि जून से सितंबर के बीच में दिखाई जा रही है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, ये तो वही है। और अब आप देखेंगे इसमें एक बात थोड़ा मैं फोकस करना चाहूँगा कि जनरली स्टेशन मास्टर के जो पोस्ट हैं वो बहुत फुटकर में आते हैं, ज़्यादा नहीं, पर इसमें स्टेशन मास्टर के लगभग 600 से भी ज़्यादा पोस्ट शायद दी गई है, तो स्टेशन मास्टर के सबसे ज़्यादा पद इसमें दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो अंकों का जोड़ घटाव का सिस्टम होता है वो इसमें लागू रहेगा। और देखिए, जो स्टेशन मास्टर का पद है और ट्रैफिक असिस्टेंट का पद है, इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, मतलब ये कह सकते हो आपके कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पर भी एक पेपर होगा। तो यह मेरे हिसाब से सीधी सीधी जानकारी रही। अब रही बात जो, मतलब देखिए गाइस, रेलवे की काफ़ी बम्पर भर्ती, मैं इसे कॉल कहूँगा, यह एक बहुत विशाल भर्ती है। और गाइज, अब रही बात यह है कि तैयारी, गाइज बहुत सारे लोग, मैं इस क्षेत्र से बहुत टाइम से जुड़ा रहा हूँ, और अब प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें। तो गाइज दो बातें ध्यान रखिए, किसी भी तैयारी के लिए, हम रेलवे की बात नहीं कर, हम तो सभी की बात कर रहे हैं गाइज, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान देखिए, मनोविज्ञान का हमारे रूल होता है, बढ़ता हुआ तनाव सोचने की क्षमता को मार देता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, हाँ मैं आपको एक बहुत ख़ास बिंदु बताने जा रहा हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, विद्यार्थी या तैयारी करने वाला छात्र क्या होता है कि तनाव से भरता जाता है, और बढ़ता हुआ तनाव उसके पढ़ने की गति को क्या कर देता है, बाधित कर देता है, और उसकी पढ़ाई बाधित होती, कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त है, अभी आप आराम से पढ़ो, 3-4 महीने बहुत होते हैं किसी तैयारी के लिए, किसी कुंठा का शिकार ना हो। साथ ही साथ हम इंस्टीट्यूट में, चंद्र इंस्टीट्यूट में हम इसकी तैयारी करा रहे हैं गाइस, और हमारा एक बैकग्राउंड रहा इस क्षेत्र में, हमारे टीचर, हमारे मैथ्स के सर प्रवीण सर, पवन सर, और बहुत सारे लोग एक प्रकार से बहुत जो है मतलब कॉम्पिटेंट रहे हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्त कि आप एक बार इंस्टीट्यूट में विजिट करें, और आप प्लीज़ डेमो क्लासेज आपको देंगे, आप देखिए, और आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट रहेंगे सर। बहुत बहुत आभार सर आपका, कि आपने सामान्य शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कही कि किस आधार पर तैयारी को एक नया मोड़ दिया जाए, और किस तरीके से बिना बोझ की तैयारी किया जाए। सर आपका बहुत बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद। इस तरीके के वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक विशेष एक्सपर्ट, जो कि लंबे समय से इसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाए, और न जाने कितने, अगर हम यदि संख्याओं की यहाँ पे बातचीत करें तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको जोड़ घटा करके आपके सामने प्रस्तुत कर पाना। ऐसे एक बेहतर रणनीति के व्यक्तित्व को आपके सामने हम बुलाना चाहेंगे कि वो आए, और सर आपको ये बात यहाँ पे स्पष्ट करें कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए कि सेलेक्टेड मैटर को पढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो भरमार है अधिक से अधिक मटेरियल की, तो वो क्या रणनीति होनी चाहिए, यहाँ पे तथ्यों का क्या चुनाव होना चाहिए कि कोई भी बालक कम से कम में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करे और अपने जीवन की इस सफलता की महागाथा का परचम लहरा पाए। तो हम बुलाना चाहेंगे इसके लिए हम बाघेश सर को, और हम चाहेंगे कि सर आप अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पे स्टूडेंट्स की इस समस्याओं का निराकरण करें, और उनके इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करें। तो हम सर आपका स्वागत करते हैं, और सर हम चाहेंगे कि एक सामान्य शब्दों में इस तरह आप बालकों को थोड़ा सा कुछ एक बेहतर अप्रोच दे पाएँ, और आपने इस लंबे समय में जो अनुभव प्राप्त किया है, और भी लोगों को मार्गदर्शन दिया जो आज सफलता के मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इस आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी आप थोड़ी प्रेरणा प्रदान करें और उन्हें एक उचित दिशा दें। तो सर आपको थैंक यू आशीष सर। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है साइंस, क्योंकि यहाँ साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से लगभग 30-35, तो आपको साइंस पे विशेष जोर देना पड़ेगा। शेष देखिए, प्रश्नों का जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज लेवल के होते हैं, और 20-30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न होते हैं। तो स्टैंडर्ड लेवल के जो प्रश्न होते हैं वहाँ से आप अगर 15-20% क्वेश्चन आप कर ले जाओ तो कहानी बन जाएगी, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। शेष देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ साइंस का भी बहुत अहम रोल है। मैं सभी सब्जेक्ट्स के, मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको डेमो वीडियो दे रहा हूं सभी सब्जेक्ट्स के, बहुत सिंपली आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए और आपको लगभग हम आपको 15 से 20 डेमो वीडियो दे दे रहे हैं, ठीक है, 15 से 20 डेमो वीडियो दे दे रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और बिंदास आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए ये। और आप देखिए chandrainstitute.com पूरा डिटेल, चंद्रा आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे आप ले सकते हैं, chandrainstitute.com पे आप जाएंगे, देन ऑनलाइन पे आप जाएंगे, राइट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैचेज चंद्रा इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं, आप बेहिचक यहाँ आएँ, आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसा किया है इसलिए बोल रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।